ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. देखिए मैं डे वन से कहता आया हूँ कि अधीर जी का मैं सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, सीनियर लीडर है और वो हमेशा सीनियर लीडर ही रहेंगे. ठीक है वो हारे लेकिन मेरे लिए उनके लिए जो सम्मान है वो मैं हमेशा उनका सम्मान बना रहेगा और मैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करता रहूंगा और मैं उनको बेस्ट विशेस कहता हूँ उनके आगे जो भी फ्यूचर में वो काम करेंगे उसके लिए. बारहमपुर में करना चाहता हूँ मैं बिल्कुल. सिर्फ क्रिकेट एकेडमी नहीं, मैं एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा. क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, दूसरे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चे और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, और भी टैलेंट है यहाँ पे तो वो टैलेंट बाहर निकल के आए, स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करे, देश के लिए रिप्रेजेंट करे और स्टेट और देश के लिए मेडल लेके आए. एक दिन किसी मेरी मेहनत रहेगी उनके लिए भी और साथ साथ में जो भी वादे किए मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री को लेके तो कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर भी काम हो. आपने कभी सोचा ये तो गेम भी है सब खड़ा पाएंगे? नहीं देखिए मैंने ऐसा कभी मेरा सपना तो नहीं था कि मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन यहाँ पर जब आया तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत दुआएं की और वो चाहते थे कि यहाँ पर बदलाव हो और उस चीज से मुझे बहुत हेल्प मिले और लोगों ने बहुत साथ दिया मुझे यहाँ पर. तो सर आपका तो फैमिली आया तो क्या कहेंगे आप फैमिली को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फैमिली मेरे साथ है यहाँ पर और मैं जब भी कोई अचीवमेंट मैंने की है क्रिकेट में तो हमेशा कोई ना कोई मेरा फैमिली का मेंबर साथ में रहा है. इरफान भाई साथ में रहे हैं और कोई भी फैमिली का मदर या फादर जो भी है वो साथ में रहे हैं. इस बार वाइफ और बच्चे साथ में है, फैमिली साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो खुशी है वो फैमिली के साथ भी. नहीं बिल्कुल भी नहीं. देखिए मैं हर वोटर को धन्यवाद करता हूँ अच्छे उन्होंने और उन सभी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरी बहुत दुआएं दी, आशीर्वाद दिए और मेरे साथ खड़े मेरे साथ खेलता रहूंगा और साथ साथ में जो ये एडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है यहाँ पर बहरामपुर के लोगों ने तो उसको भी मैं अच्छे से निभाऊंगा, उसके लिए भी तैयार हूँ. नेक्स्ट मंथ आप मेरे को खेलते हुआ भी देखेंगे तो और यहाँ के लोगों के लिए काम करते हुआ भी देखेंगे. तो ये अभी मेरे पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगा और मैं हमेशा यहाँ के लोगों का और यहाँ के लीडर्स का हमेशा साथ चाहूंगा ताकि उनके डेवलपमेंट के लिए और यहाँ के लोगों के लिए काम कर सकें. पहले आपका टेंशन था? नहीं टेंशन तो वैसा कोई टेंशन नहीं था. देखिए मैंने कंट्री के लिए खेला है, देश के लिए खेला है. जब मैंने डेब्यू किया था अगेंस्ट पाकिस्तान तो भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है. जब आप वर्ल्ड कप में आप डेब्यू करते हैं तो वो प्रेशर बहुत बड़ा होता है आपके लिए. और मैं बहुत से मैचेस खेला हूँ कंट्री के लिए और बहुत से मैचेस भी जीते हैं हम लोग, तो वो मुझे पता है कि प्रेशर किस तरह से हैंडल करना है. और साथ साथ में देखिए नर्वस होता है इंसान, नर्वस था लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं था कि मैं हैंडल नहीं कर. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. देखिए यशु जी आप जब आया उस टाइम में बोला मुर्शिदाबाद के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, मुर्शिदाबाद का मानस आपका बहुत वोट दिया बा देखा ये इरादा जो जो कैसा लगे? नहीं देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. लोग मुझे एज ए क्रिकेटर जानते थे मुझे, लोग मुझे क्रिकेटर करके ही बुलाते थे और अभी भी क्रिकेटर करके ही बुलाएंगे आई एम श्योर, क्योंकि मेरी जो पहचान बनी है क्रिकेट खेलते हुए पहचान बनी है. और साथ साथ में यहाँ के लोगों ने जो सम्मान दिया और जो रिस्पेक्ट दिया, साथ साथ में जो टीएमसी ने मुझे यहाँ पर सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने भी कर्मी हैं यहाँ के उनकी जीत है. तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ. भाई आपने इतिहास बदल दिया है, स्ट्रेटेजी क्या थी?
देखिए इतिहास बनते हैं इतिहास टूटने के लिए और रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए, ये चीज मैंने सीखी है। और देखिए अधीर जी का मैं सम्मान करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो काफी सीनियर लीडर है और उनका हमेशा सम्मान भी करता रहूंगा और रिस्पेक्ट भी करता रहूंगा। क्या करेंगे ये बात? देखिए मैंने जो वादे किए यहाँ के लोगों से, सबसे पहले मैंने वादा किया था कि यहाँ पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा मैं, तो मैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा ताकि वो अपना जो सपना है अपना जो फ्यूचर है वो बना सके, स्पोर्ट्स खेल सके अच्छे से, जो भी फील्ड में वो पार्टिसिपेट करना चाहे तो उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे बनाऊंगा। साथ साथ में उनसे वादे किए कि इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए जो काम करने तो वो करूंगा और अब आपको मैं कहता हूँ कि अपनी यहीं पर रह के यहाँ के लोगों के लिए काम करूंगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, परमानेंटली तो नहीं रहूंगा मैं, मेरा घर बड़ौदा में है गुजरात में, तो मैं बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ भी रहूंगा और दिल्ली में भी काम होगा तो दिल्ली में भी जाना पड़ेगा मुझे, वहां पे भी काम करना पड़ेगा। साथ साथ में जब जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं बहरामपुर में आऊंगा, बहरामपुर के लोगों के साथ रहूंगा क्योंकि ये एक मेरा नया फैमिली, एक बड़ा फैमिली मुझे मिला है यहाँ पर, तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे मुझे एक और फैमिली मुझे मिला और ये मेरा दूसरा घर यहाँ पर, तीसरा घर मेरा यहाँ पर बनेगा। अनुक्षण सुद्दिगळिगागि विस्तार न्यूज यूट्यूब चानल सब्सक्राइब माडि, होस सुद्दिगळ नोटिफिकेशन गागि बेल ऐकॉन क्लिक माडि, लेटेस्ट अपडेट्स गागि www.vistaranews.com वेबसाइट के विजिट माडि, अंगैयल्ले जगत्तिन सुद्दि तिळियलु विस्तार न्यूज कन्नड आप डाउनलोड माडि।